गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। सेकंड क्लास हम उर्दू पढ़ रहे हैं और बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब तक हमारा 4 चैप्टर का रिवीजन हो गया, आज हम 5 चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए देख लीजिए पहले आपका चैप्टर नंबर 5 क्या है। चैप्टर नंबर 5 है बच्चों आपका नाजिश का हवाई जहाज। क्या है? नाजिश का हवाई जहाज। तो बच्चे, ये दो बच्चे हैं, इसमें से एक का नाम नाजिश है और वो अपना कागज़ का हवाई जहाज़ बनाता है। ये बस उसी की कहानी है। ठीक है, ये मैंने स्टोरी आपको पहले पढ़ाई थी, इसका ट्रांसलेट भी कराया था, समझाई थी। ठीक है, आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं, एक्सरसाइज भी की है, सारी चीज़ें आप कर चुके हैं और लर्न भी कर चुके हैं। तो बस उसी के बेस पर आपको छोटा सा रिविज़न करना है। रिवीजन में आपको क्या करना है ये देखिए। रिवीजन में आपको मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्फाज के मायने लिखिए। ये बस मैंने आपको यहाँ कुछ अल्फाज दिए हैं, आपको इसके मायने दिए हैं। मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ अल्फाज क्या हैं। हवाई जहाज, सैर, ज़रूर, पास ही। तो ये चार अल्फाज मैंने दिए हैं, आपको इसके मायने लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्फ को मिलाकर अल्फाज बनाइए। ये कुछ हर्फ दिए गए हैं, आपको इसको जोड़कर इसका अल्फाज लिखना है। जैसे कि हर्फ कौन कौन से हैं, पहला देखिए बा हा ना। तो ये क्या हो गया? बा हा ना बहन। ये इसका आप अल्फाज मिलाकर लिखेंगे। सीन, सॉरी बानी बे पढ़ेंगे इसे, बीन सीन बड़ी ये और रे। ये क्या हो गया? सीन ये रे सैर, इसको आप आगे करके लिखेंगे। अब ये क्या है? नून अलिफ जबर ना जे शीन जेर जिश नाजिश, ऐसे ही यहाँ आप आगे ये लिख देंगे इसका नाम। अभी आगे क्या है? काफ और दो चश्मियों को मिलाया तो क्या बना? खा और लाम और वाव, खेलो नून अलिफ जबर ना खिलौना। तो इसका अल्फाज आपको जोड़ के यहाँ आगे लिखना है। तो बस बच्चों रिविजन में आपको यही करना है। तो बच्चों कॉपी पे इसको कर लीजिएगा, आज की डेट डालिएगा, चैप्टर नंबर 5 डालिएगा, ऊपर रिवीजन डालिएगा और ये दोनों क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।